अबश क्या कर रही है? क्या कर रही हो आप? कलर कर रही हो? आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? तबीयत नहीं थी ठीक? क्या हुआ था आपको? क्या बेटा आपको फीवर हुआ था ना? आपको तो फीवर हुआ है ना? इंजेक्शन लगवाया था ना आपको मामा के साथ? भूख तो पीछे करो मेरी जान। ठीक है थोड़ा भूख तो थोड़ी सी नीचे करो मेरी बेटी, आपका फेस नजर नहीं ना आता ऐसे। कलर कर रही हो? अच्छा टीचर आपको पढ़ाती है? अच्छा आपको टीचर प्यार करती है? अच्छा जी। अच्छा आपका नाम क्या है? अबशनूर। अच्छा सॉरी, यानी मैं इंग्लिश में बोलूँ, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? अबशनूर कहते हैं मुझसे अंग्रेजी में सवाल करें, व्हाट इज योर नेम? ठीक है सही है। और अब आपने किधर जाना है? न्यू हाउस। क्या है झूले लगे हुए हैं? किसको उसको लेके जाना है साथ? ओ सबको लेके जाना, सबको लेके जाना है आपने, वाह जी वाह। ठीक है सबको लेके जाने। किसको? अतुल। वो कौन है? अतुल। अश्वन है? अतुल। क्या? अतुल। मुशर्रफ को जी। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आई होप कि आप हरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो जनाब आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा हो गया है और आज रमज़ानुल मुबारक का एक अशरा ख़त्म हो जाएगा और माशाल्लाह से कल दूसरा अशरा शुरू होगा। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम रोज़े ऐसे ही गुजारे, सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और हम ऐसे ही रोज़े रखें और आइंदा भी हमारे ऊपर ऐसे ही रोज़े आएँ। अल्लाह ताला हमें तफीक दे रोज़े रखने की। तो जनाब हर रोज़ यही होता है कि इफ्तारी में क्या बनाएं, सहरी में क्या बनाएं, रोज़ाना यही मसला होता है। तो आज तो मैं बनाने लगी हूँ, वैसे मैं अपने बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ फ्रूट जैली। मेरा दिल कर रहा था बनाऊँ उनके लिए, क्योंकि बच्चे बाज़ार से ला के तो जैली खाते हैं, तो मैंने सोचा मैं फ्रूट जैली ही बना लेती हूँ उनके लिए। और साथ में बनाऊँगी मैं कचौरियाँ, पटाटो कचौरी बनाऊँगी मैं। और खाने में हम बना रहे हैं आज चिकन पुलाव बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं, ये फ्रूट जैली बनाऊँगी मैं और चूल्हा ऑन करूँगी मैं। और ये तमाम फ्रूट्स मैंने काट के कटिंग करके तो मैंने रखे हैं। तो अब इसमें मैं एक गिलास पानी का ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बनाना जेली मैंने लाई है। नेशनल की? हाँ नेशनल की बनाना जेली है। पानी गर्म होता है तो मैं फिर इसमें जेली ऐड करूंगी। तो जनाब जैली हमारी रेडी हो चुकी है और ठंडी भी हो गई है और अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। ये बाउल मैंने लिया है तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। मेरे ख्याल ऐसे ही कर लेना, ऐसे तो देर लगनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे चलें जी, ये हमारी जेली सारी पड़ गई है ये फ्रूट में। तो इसको मैं अब रखूंगी फ्रिज में, ये ठंडी होगी तो फिर हम इसको
अफ्तारी के बाद इसको हम निकालेंगे। ये मैंने एक पेड़ा लेके तो पतली सी रोटी बनाई है, ना ज़्यादा पतली बनानी है हमने और ना ही ज़्यादा मोटी बनानी है। और ये मैंने आयल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया है और ये हम इसकी थोड़ी सी हम लेसी बनाएंगे ऐसे, और इसको हम लगाएंगे इस रोटी के ऊपर, सारी रोटी के ऊपर हम लगा लेंगे। इसके साथ हमारी कचौरियाँ जो है ना वो बहुत सी खस्ता हो जाएंगी। ऐसे हमने लगा लिए है और अब हम इसका बनाएंगे रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हम सारा रोल बना लेंगे ऐसे। ये हमारा रोल रेडी हो चुका है, ऐसे ही हम सारे रोल बनाएंगे। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग ऐसे, और एक लेके तो हम इसका पेड़ा सा बना लेंगे। और ये देखिए आप कितनी प्यारी लेयर बन गई है, ये देख सकते हैं आप। और इसको हम ऐसे हाथ के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं और हम बेलने के साथ भी हम इसको थोड़ा सा बेल सकते हैं, ज्यादा नहीं बेलना हमने। ये इतना सा हम करेंगे और अब इसमें हम रखेंगे स्टफिंग। ये देखें, और ऐसे इसको हम ऐसे, ये देखें ऐसे ही हम सारी बना के तो रखते जाएंगे। तो अब हम ऐड करते हैं कढ़ाई में घी, हमारा गर्म हो चुका है। ये कचौड़ियाँ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। ये देखें हम बना रहे थे कचौड़ियाँ और अभी हमारी इतनी सी कचौड़ियाँ बनी हैं, ये देखें। तो गैस हमारी चली गई है, चूल्हा बंद हो गया है और अब हमें तो पड़ गई है मुसीबत। इतना शुक्र है खाना हमारा बन चुका है, ये हमने राइस बना लिए हैं। ये देखें ये राइस हमारे माशाल्लाह चिकन पुलाव बन चुका है हमारा। तो अब गैस आएगी तो फिर ये निकलेंगे, रोज़ा बनाना है हमारा ऐसे ही। इधर हमने पकौड़ियों के लिए आलू काटे हुए थे लेकिन सारा कुछ वैसे का वैसे ही रह गया है। और ये हमने बीच में कचौड़ी डाली हुई थी तो वो भी वैसे रह गई है। तो अब हम इनके साथ ही रोज़ा अफ्तार कर लेंगे और क्या करेंगे, और बाजार से कुछ मंगवाते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपके तावन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।